हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल संघर्ष आईक्यू पे। आज की क्लास में हम पेंटिंग्स की हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ पेंटिंग, एंशियंट पेंटिंग्स, मिडिवल पेंटिंग्स एंड फोक और रीजनल पेंटिंग्स को देखने वाले हैं। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो इंडिया में पेंटिंग्स की हिस्ट्री अप्रॉक्सीमेट 10,000 साल पुरानी है। जैसे कि भीमबेटका केव पेंटिंग्स जो कि मध्य प्रदेश में है, जोगीमारा केव पेंटिंग्स जो कि छत्तीसगढ़ में है, अजंता अलोरा केव पेंटिंग्स जो कि महाराष्ट्र में, एंड सो ऑन। बट पेंटिंग्स की फर्स्ट बुक या रिकॉर्ड लिखी गई थी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, अप्रोक्सीमेट 2000 साल पहले। अप्रोक्सीमेट 2000 साल पहले ये बुक लिखी गई थी, चित्र सूत्र बाय विष्णु धर्मोत्तरा, जो कि सेक्रेट मानी जाती थी, एंड से पेंटिंग्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिखे हुए थे। सेकेंड बुक या रिकॉर्ड भी गुप्ता के टाइम पे लिखी गई थी, दैट इज काम सूत्र बाय वत्स्याना। एंड इस बुक में टोटल 64 आर्ट्स थी, एंड जिसमें से फोर्थ आर्ट थी पेंटिंग। फोर्थ आर्ट जिसका पेंटिंग का एशियन नेम एलेक्यम भी है, पेंटिंग्स को एलेक्यम भी बोलते हैं इसका एंशियन नेम। तो पेंटिंग सिग्निफाई करता है हमारा रिच कल्चर जो कि हजारों साल पुराना है, एंड दैट्स वाई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेंटिंग्स के रूल्स की बात करें तो पेंटिंग्स के 6 रूल्स लिखे हुए थे अलेख्यम में, दैट इज रूपभेदा नॉलेज ऑफ अपेयरेंस, प्रमाणम नॉलेज ऑफ मेजरमेंट, सदृश्याम सिंप्लीट्यूड, लावण्य यजनम एडिंग ग्रेस, भाव एक्शंस और इमोशंस, वर्णिका कलर्स। सो इन चीजों से हमें पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले पेंटिंग्स कितनी ग्रेस से बनाई जाती थी। अगर हम कलर्स की बात करें तो नेचुरल कलर्स थे जैसे कि रेड जो कि फ्लावर से एक्सट्रैक्ट होता था, ग्रीन जो कि लीव से एक्सट्रैक्ट होता था, येलो जो कि पोलन ग्रेन से एक्सट्रैक्ट होता था, ब्लू फ्रॉम इंडिको, ब्लैक फ्रॉम सूट एंड व्हाइट फ्रॉम लाइमस्टोन। इसके अलावा जो सेकेंडरी कलर्स थे वो इन सबको मिक्स करके बनते थे, जो भी सेकेंडरी कलर्स थे, और नेचुरल को हम प्राइमरी कलर्स भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स। तो एंशियंट टाइम में जिसको हम 2500 BC से 647 AD के टाइमलाइन से हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उस टाइम पे दो टाइप्स की पेंटिंग्स थी, दैट इज मुराल्स एंड फ्रेस्को। मुराल्स एग्जीक्यूटेड ऑन वॉल्स, सीलिंग्स, फ्लोर्स, कॉलम्स, ये ड्राई सरफेस पे होता था। और मुराल और फ्रेस्को में एक ही डिफरेंस है कि मुराल्स ड्राई सरफेस पे था और फ्रेस्कोस वेट सरफेस पे एग्जीक्यूट किया जाता था। सो इन दिस पिक्चर, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मुराल। यू कैन सी दिस इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मुराल और फ्रेस्को जो कि वॉल्स पे पेंट की जाती थी। और फ्रेस्को थर्ड टाइप ऑफ पेंटिंग इमर्ज हुई थी मेडिवल टाइम्स पे, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग जो कि एग्जीक्यूटेड होती थी कैनवास, लेदर, जूट, क्लॉथ, पेपर एंड कार्डबोर्ड। जो आजकल हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में देखते हैं कार्डबोर्ड पेंटिंग, जो हम अपनी ड्राइंग बुक लेके जाते हैं स्कूल्स में, तो दिस इज टाइप ऑफ ए मिनिएचर पेंटिंग। तो तीनों टाइप्स का हमें ध्यान रखना है। नाउ अगर हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात करें, दैट इज 8,000 से 10,000 साल पहले की, तो उस टाइम पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी रॉक्स पे, जिसको पेट्रोग्लिप्स भी बोला जाता है, पेट्रोग्लिप्स। तो इस टर्म का भी ध्यान रखना है, जो पेंटिंग्स रॉक्स पे होती थी उनको पेट्रोग्लिप्स बोला जाता था। जैसे कि भीमबेटका केव पेंटिंग्स जो कि मध्य प्रदेश में है, ये एक यूनेस्को साइट है और इसमें नेचर और डे टू डे एक्टिविटीज की थीम्स थी, और इसको यू रॉक शेल्टर भी बोला जाता है, और ये एग्जीक्यूटेड बाय पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक मैन जो कि आज से 8 से 10 हजार साल पहले रहते थे। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये रॉक पे हुई हुई पेंटिंग है, दिस इज अ रॉक पेंटिंग। और जोगीमारा कोव पेंटिंग्स, ये भी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है जो कि छत्तीसगढ़ में है, रामगढ़ हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये रॉक पे एग्जीक्यूट हुई है पेंटिंग्स। सो इसको इसमें भी नेचर एंड डे टू डे एक्टिविटीज में दिया हुआ है। एंड देन एंशियंट टाइम्स में पेंटिंग्स के ऊपर बुक्स लिखी जाने लगी, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, एंड एक रिच आर्ट इमर्ज हुई, दैट इज अजंता के पेंटिंग्स जो कि महाराष्ट्र में है, एक यूनेस्को साइट है, एंड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूरल्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
इसमें एक चीज याद रखनी है, दिस इज अ सेट ऑफ 29 केव्स, सेट ऑफ 29 केव्स। ये पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अजंता केव्स इज अ सेट ऑफ हाउ मेनी केव्स, तो 29 केव्स है और इसमें फ्रेस्कोस इनिशिएट किए थे चालुक्यास ने और मेजर थीम थी बुद्धिज्म, जातकास, लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। अजंता केव्स में थीम थी बुद्धिज्म, लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, और इसमें नेचुरल कलर्स यूज किए गए थे, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम एलोरा केव पेंटिंग्स की बात करें तो ये भी एक यूनेस्को साइट है और ये भी महाराष्ट्र में ही है, बट इसकी जो थीम्स थी दैट वर सेकुलर। इसमें बुद्धिज्म के अलावा जैनिज्म, शाइविज्म, ये सब भी थीम्स थी, और इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स दोनों यूज हुए थे, तो दोनों का डिफरेंस बताना चाहिए अजंता एंड एलोरा का। नेक्स्ट इज बाग केव पेंटिंग्स जो कि मध्य प्रदेश में है, और दिस इज अ सेट ऑफ 29, सॉरी 9 केव्स, तो इसका भी याद रखना है, बाग केव पेंटिंग इज अ सेट ऑफ 9 केव्स, और ये ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड एग्जीक्यूटिव हुई थी, और इसमें थे म्यूरल्स, नेचर एंड डे टू डे एक्टिविटीज वर थीम्स। नेक्स्ट इज सीता नवसल केव पेंटिंग्स जो कि साउथ इंडिया में एग्जीक्यूट हुई थी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु बाय महेंद्र वर्मन वन दी पलवा रूलर। इसमें बहुत नेचुरल एंड सेकेंडरी कलर्स यूज हुए थे और इनकी थीम्स भी सेकुलर थी, जैसे हमने एलोरा केव्स में पढ़ा था, एलोरा केव्स की थीम सेकुलर थी तो इनकी थीम भी सेकुलर थी। तो अगर हम मेडिवल टाइम्स की बात करें तो मेडिवल टाइम में भी पेंटिंग्स राइज पे रही, जैसे कि पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग जिन्होंने मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट की ऑन पाम लीव्स कैनवास बाय रूलर धर्मपाला, और इनकी थीम थी वज्रयाना बुद्धिज्म। हमने अजंता केव्स में पढ़ा था, उनकी थीम भी थी बुद्धिज्म, और पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग की थीम भी है वज्रयाना बुद्धिज्म, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको एग्जाम में इसकी थीम्स ही पूछ सकते हैं। जैसे अजंता केव्स की थीम थी बुद्धिज्म, एलोरा केव्स की थीम थी सेकुलर बुद्धिज्म, जैनिज्म, साइविज्म एंड वैष्णविज्म, और पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग की थीम क्या है, वज्रयाना बुद्धिज्म, और इसमें बुद्धा को डिपिक्ट किया था विद फ्लैट हेड्स टू सिंबलाइज निर्वाणा। नेक्स्ट इज चोला स्कूल ऑफ पेंटिंग जो मिडिवल टाइम पे राइज पे रहा, ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग है, और किसने स्टार्ट की थी, राजराज चोला ने, सोलो हिंदू गॉड्स का थीम था ये। नेक्स्ट इज विजयनगर पेंटिंग्स जो कि मिनिएचर एंड म्यूरल्स दोनों ही रहे उस टाइम पे, और इस पैटर्नाइज की थी कृष्णदेव राया ने, जिसको शॉर्ट में केडी राया बोलते हैं, और इनकी थीम भी सेकुलर थी, और मैक्सिमम कलर यूज हुआ इसमें येलो, और ये लिपाक्षी टेम्पल इसी थीम पे बेस्ड है, वहां पे रामायण और महाभारत को डिपिक्ट किया हुआ है, लिपाक्षी टेम्पल विजयनगर पेंटिंग्स का पार्ट है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो कि थी मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ये इनके जो मिनिएचर थे ये इन्फ्लुएंस थे फ्रॉम पर्शिया, और इन्होंने ईरानियन आर्टिस्ट को हायर किया था टू देयर कोर्ट्स, एंड पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड फाइन एंड डेलिकेट ड्रॉइंग्स। जो हुमायूं थे, बाबर के टाइम पे इतना नहीं था पेंटिंग, बट बाबर के बाद हुमायूं ने दो पेंटर्स को इन्वाइट किया फ्रॉम पर्शिया, दैट वर अब्दुल समान एंड मीर सैयद अली, दोनों का नाम याद रखना। इनको हायर किसने किया था, हुमायूं ने हायर किया था, उसके बाद अकबर ने ग्लोरीफाई किया पेंटिंग्स को और इस पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स क्रिएटेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग्स, तो किसने किया था क्रिएट, अकबर ने क्रिएट किया था अंडर अब्दुस समान एंड मीर सैयद अली, जिनको हायर किया था हुमायूं ने, और इसमें वॉर सीन्स, कोर्ट सीन्स, हंटिंग सीन्स सबको पेंट किया गया था। इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे केसु, तल, बसवन एंड दसवंत। दसवंत 5 स्टार, इसको एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, दसवंत किसने हायर किया था, तो अकबर ने हायर किया था, और दिल्ली आगरा को पेंट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के टाइम पे ये क्लाइमैक्स पे पहुंचा पेंटिंग, बिकॉज जहांगीर खुद एक पेंटर थे, ही वॉज ए नेचुरलिस्ट, प्रेफर्ड फ्लोरा एंड फौना, डेकोरेटेड मार्जिन डेवलप्ड अंडर हिम, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वर डेवलप्ड, पोर्ट्रेट्स ऑफ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, नूर जहां, ये सबको पेंट किया। उस्ताद मंसूर थे इस टाइम के फेमस पेंटर, तो इनका भी याद रखना है, उस्ताद मंसूर। उसके बाद शाहजहां ने, शाहजहां वॉज अ मैन ऑफ आर्किटेक्चर, हम देख सकते हैं इन्होंने ताजमहल बनाया, तो इनके टाइम पे पेंसिल आर्ट डेवलप हुई, पेंसिल आर्ट डेवलप हुई, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर द रीजनल और फोक पेंटिंग्स।
अब तक हमने प्री हिस्टोरिक एंशियंट एंड मिडिवल टाइम्स की पेंटिंग्स को पढ़ा, एंड इन्हीं पेंटिंग्स की शैडो में इमर्ज हुई फोक और रीजनल पेंटिंग्स, जैसे कि कलमकारी जो कि फोक पेंटिंग है आंध्र प्रदेश की, कालीघाट जो कि फोक पेंटिंग है बंगाल की, सौरा जो कि फोक पेंटिंग है उड़ीसा की, पिथौड़ा जो कि फोक पेंटिंग है मध्य प्रदेश की, उसके बाद मधुबनी, ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, मधुबनी कौन सी स्टेट की पेंटिंग है, ये है बिहार की पेंटिंग, वर्ली जो कि महाराष्ट्र की पेंटिंग है, और वर्ली नाम की एक जगह भी है महाराष्ट्र में, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, उसके बाद पच्चित्रा जो कि उड़ीसा की पेंटिंग है, उसके बाद पिछविस जो कि राजस्थान की पेंटिंग है, उसके बाद पैथका फ्रॉम झारखंड, थंका फ्रॉम सिक्किम, पटुआ फ्रॉम बंगाल एंड मंजूषा फ्रॉम बिहार। तो फोक और रीजनल पेंटिंग्स का भी ध्यान रखना है, इस पे तो सिंपली क्वेश्चन बनेगा कि जैसे पटुआ पेंटिंग कौन सी स्टेट से इमर्ज हुई है, दैट इज फ्रॉम बंगाल, मंजूषा कौन सी पेंटिंग से इमर्ज हुई है, दैट इज फ्रॉम बिहार, मधुबनी हमने पिछली स्लाइड में देखा, वर्ली हमने देखा, तो इन सबको अच्छे से ध्यान में रखना है, पेपर में इजीली क्वेश्चन आ सकता है। अब हम सोल्व करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आर फाउंड ओनली इन द सेंट्रल इंडियन केव्स अक्रॉस द ग्लोब। नहीं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स अराउंड द वर्ल्ड मिलती हैं, पूरे वर्ल्ड में है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। द सब्जेक्ट्स ऑफ द ड्राइंग्स आर ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड एनिमल्स, ये तो हमने देखा था, डे टू डे एक्टिविटीज, नेचर पे, तो ये सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली टू। द पॉपुलर बाग के पेंटिंग्स आर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दिस इज अ पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश, तो इस चीज का ध्यान रखना है। मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है, बिहार, इसको मिथिला भी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश आर्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश कौन सी पेंटिंग लाए थे, अगर हम मिनिएचर की बात करें तो ये तो पहले ही आ चुकी थी मिडिवल टाइम्स पे, म्यूरल आर्ट तो प्री हिस्टोरिक में ही आ चुकी थी, हमने इसको अच्छे से पढ़ा, बट जो ऑयल पेंटिंग थी वो लेके आए थे ब्रिटिश, तो ऑयल पेंटिंग आई थी विद ब्रिटिश। दी वेल नोन पेंटिंग भानितानी बिलोंग्स टू द, तो ये पेंटिंग है किशनगढ़ स्कूल की। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलुस्ट्रेटेड पेंटिंग सेट, तो इसका करेक्ट आंसर हमने पढ़ा था कि अजंता केव्स में बुद्धिज्म थी मेन थीम, जातका स्टोरीज डिपिक्ट की हुई थी, सो इसका करेक्ट आंसर है अजंता पेंटिंग्स। सो आजकल के एग्जाम ट्रेंड्स में जैसे कि यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, ग्रुप बी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होती है, ऐसे क्वेश्चंस देख के हम जनरली इसको स्किप कर देते हैं, बट इन रियलिटी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। ईच वुमेन इज कैरेक्टराइज बाय अ डिफरेंट हेयर स्टाइल इन अजंता केव पेंटिंग्स, इसको स्किप करते हैं फर्दर टाइम। द पेंटिंग इन एलोरा केव्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, ये हमने पढ़ा था कि एलोरा केव्स की पेंटिंग सेकुलर थी, तो इसके अगर हम इसको देखें कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है तो हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। और फिर सित्तान्वसल केव जी हमने पढ़ा था कि इन तमिलनाडु नॉन फॉर द पेंटिंग्स इन द जैन टेम्पल्स, सो टू और थ्री ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, बिकॉज एक ही ऑप्शन में 2 एंड 3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली सही हो गया, तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक, इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स।